दोस्तों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच में एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली और इसमें एक बार फिर एम्पायर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या। दरअसल पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान नवाज और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे। इसी दौरान तबलेश शमसी की गेंद नवाज ने खेली और स्वीप शॉट खेला, जिसे अपील करने पर एम्पायर ने आउट दिया, लेकिन नवाज कहीं और देख रहे थे और रन लेने के लिए भागे और इसी बीच वो रन आउट भी हो गए और जाते जाते नवाज रन आउट की वजह से इफ्तिखार पर नाराज दिखे। हालांकि जब एम्पायर ने LBW आउट दे दिया था तो उसके बाद ये बॉल डेड बॉल होनी चाहिए थी जो रूल कहता है, तो नवाज रन आउट नहीं हो सकते थे, लेकिन नवाज ने एम्पायर की तरफ नहीं देखा और रन आउट की वजह से वो चले गए। लेकिन जब रिप्ले में देखा गया तो मालूम पड़ा कि नवाज LBW भी आउट नहीं थे, बहुत मोटा एज बल्ले से लगा था और वो अपने आप को रन आउट समझकर ही वापस चले गए, जबकि एम्पायर ने इसे LBW आउट करार दिया था। तो ऐसे में ना तो पाकिस्तान ने DRS लिया और ना ही इसको लेकर एम्पायर से बात की और एम्पायर ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। तो इस मैच में कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली। अब ऐसे में एम्पायर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब एम्पायर ने आउट दे दिया तो ये डेड बॉल हो जाती है, उस पर रन आउट नहीं हो सकते। बाकी आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।